Hey everyone, welcome back to my channel June Flower. और आज की वीडियो में हम पेंट करने जा रहे हैं हिबिस्कस फ्लावर जॉर्जेट साड़ी के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो साड़ी है इसको मैंने फ्रेम के साथ अटैच कर दिया है और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अपना हिबिस्कस फ्लावर यानी गुड़हल का फूल। तो ये मैंने कलर ले लिया है ऑरेंज और अब हम बनाएंगे हिबिस्कस फ्लावर ऑरेंज कलर का। तो आई हैव टेकन आपको एक ही बार में सारा कलर नहीं निकालना है बिकॉज ये ड्राई हो जाता है बहुत जल्दी। तो जितनी की रिक्वायरमेंट है थोड़ा थोड़ा करके आप इसको यूज़ करें और मैं इसमें काफ़ी इसको डाइल्यूट करूँगी, काफ़ी पतला करूँगी कलर को क्योंकि मैंने लाइट और डार्क शेड का इफ़ेक्ट देना है साड़ी में। तो अब हम स्टार्ट करें अपना हिबिस्कस फ्लावर या गुड़हल का फूल। आप जो भी फैब्रिक पेंटिंग करने जा रहे हैं तो उसमें जो फैब्रिक है उस पे हर कलर डिफरेंटली लगेगा। जैसे किसी में आपने थोड़ा सा भी पानी डाला तो वो एकदम से स्प्रेड हो जाएगा, किसी में आप पानी डालोगे या पतला करोगे तो उससे वो ब्लीड नहीं करता है, फैलता नहीं है। तो ये आपको चेक करना है। तो जब आप करोगे तो करते करते आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरह का इफ़ेक्ट आ रहा है। तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लावर और अब यहीं पे मैं ये दूसरा बनाने जा रही हूँ। तो क्योंकि मैंने काफी इसको पतला कर दिया है कलर को तो ड्राई होने पे आप इसका इफ़ेक्ट देखोगे, आपको कहीं डार्क कहीं लाइट दिखाई देगा और जहाँ आपको लगता है कि थोड़ी सी डार्कनेस चाहिए वहाँ आप सेकेंड कोट कर सकते हो कलर का, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। And now, this is our third flower. अब हम शेडिंग करने जा रहे हैं रेड कलर से। तो यहाँ मैंने ये रेड कलर को काफ़ी पतला कर लिया है, काफ़ी डाइल्यूट कर लिया है और मैं हल्के हल्के से कहीं कहीं पे स्ट्रोक्स डालूंगी। ये मेरा कलर ऑलरेडी वेट है तो ये हल्का हल्का सा और मैं इसको इसके साथ अभी ब्लेंड करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि मैं ऑरेंज कलर के फ्लावर्स बना रही हूँ तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा रेड कलर का इफ़ेक्ट नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसको मर्ज कर रही हूँ। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि ऑलमोस्ट इसी में ब्लेंड हो रहा है या इसी में मिक्स हो गया है, इफ़ेक्ट पता नहीं चल रहा।
रियल इफ़ेक्ट आपको पता चलेगा जब ये सारे कलर्स ड्राई हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तो आपको तब अच्छे से पता चलेगा कि ऑरेंज कलर कहाँ है और रेड कलर का इफ़ेक्ट कहाँ आ रहा है। वीडियो में आपको लग रहा होगा कि ये ब्लर हो गया है, लेकिन ये ब्लर नहीं है एक्चुअली, क्योंकि नीचे वाला कलर जो ऑरेंज कलर है वो ऑलरेडी वेट है, इसलिए इसको देखने में ऐसा लग रहा है। इसको अभी हम सूखने देंगे और जो थोड़ा बहुत है ये मैं इसमें मर्ज कर रही हूँ, इसमें इसको मिक्स कर रही हूँ दोनों कलर्स को। यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा डार्क कलर रेड से इसकी आउटलाइन काइंड, मतलब एक हल्का सा वो दूंगी, बिकॉज जो हमने इससे पहले किया है वो इसमें मर्ज हो गया है। हल्की सी डिटेलिंग, नॉट मच, बहुत ज़्यादा नहीं करना है हमको, क्योंकि हम एंड में ब्लैक कलर से थोड़ा सा डिटेल देंगे जिससे देखने में ये सुंदर लगेगा। अब हम करने जा रहे हैं इसकी स्टेम और लीफ। यहाँ मैंने लिया है ये कलर सैप ग्रीन। इसमें मैं इसको भी मैं काफी पतला कर लूंगी। This is the consistency, इतना पतला किया है मैंने।
अब मैंने ब्लैक कलर ले लिया है और मैं यहाँ पे डिटेल्स दूंगी। इतना थोड़ी हिला, If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. You can follow me on Instagram @JuneFlowerArt. Thanks for watching.